बैक टू आवर चैनल संतोष पांडे ब्लॉग में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और अच्छे रहोगे। आज हम आए हैं मुंबई, मुंबई जहाँ पे श्री जी के आगमनों का तैयारी चालू है। वहीं पे बहुत सारी गणपति बप्पा अपने अपने स्टेट के लिए रवाना हो रही है, जैसे गुजरात, कोल्हापुर, ये सब चीज़ के लिए रवाना हो रही है। तो आइए चलते हैं वर्कशॉप पर, देखते हैं और क्या तैयारी चालू वो भी देखते हैं। मैं अभी चिंचपोकली में, यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे कार्यशाला हैं छोटे बड़े गणपति के। तो आइए चलते हैं, देखते हैं छोटे गणपति के कार्यशाला में। अद्भुत नए नए गणपतियों का डिज़ाइन आ चुका है, छोटी गणपति, बड़ी गणपति, हर एक किस्म के गणपति है यहाँ पर। श्री जी और ये हमारे राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उसमें बहुत ही अद्भुत। फ्रेंड्स कमेंट में गणपति बप्पा मौर्या लिख दीजिए। कुछ ही दिन बचे हैं हमारे श्री जी के आगमन के लिए। आप देख सकते हो हर जगह पे, हर एक कार्यशाला में बहुत ही जोरों शोरों से काम चालू है। हर एक छोटे बड़े गणपति बप्पा को बहुत ही प्यारे से कलर्सफुल से सजाया जा रहे हैं। छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे नए नए गणपति बप्पा हैं, बाल गणेश आए हुए हैं, और भी जो कि नए नए गणपति बप्पा, जैसे कि आपको कहा जाए कि शिवाजी महाराज के उनके उसमें भी डुप्लीकेट के उसमें भी आए हैं, उसके बाद शंकर भगवान के इसमें आए हैं, राम जी के इसमें आए हैं, जो अभी रामलला जो अभी विराजमान हुए हैं उनके उसमें भी आए हैं। आप देखो, ये देखो, ये राम जी के उसमें है। कितने प्यारे प्यारे, इतने गौरवान ऐसे हमारे भारत में कलाकार हैं कि उनको देखते ही अद्भुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद मुझे श्री जी को देखने को भी। आप देखो, ये जो छोटे छोटे बाल गणेश हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इनको देखने से ऐसा मन ही नहीं भर रहा है, ऐसे लग रहा है कि इनको देखते रहो और देखते रहो और देखते रहो। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि थोड़े दिन ही बचे श्री जी को आने के लिए। तो आइए चलते हैं मंडप की तरफ। फ्रेंड्स, यही वो एंट्रेंस है जहाँ पे चिंतामणि के राजा का एंट्रेंस का गेट लगता है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारी हो चुकी है और क्या क्या तैयारी बाकी है। तो आइए चलते हैं चिंतामणि के दर पर। चलिए चलते रहिए, गेट से स्ट्रेट स्ट्रेट आएंगे तो एकदम आपको सामने ही मंडप दिखेगा। तो आइए चलते हैं मंडप के जगह पे और देखते हैं कितनी तैयारी हो चुकी है। यही वो मंडप है जहाँ पे चिंतामणि राजा बैठते हैं। चिंचपोकली सा चिंतामणि सार्वजनिक उत्सव मंडल आप देख सकते हो सामने है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जोरों शोरों में काम चालू है मंडप वगैरह का। यहीं पे चिंतामणि बैठते हैं, चिंचपोकली सा चिंतामणि मंडप का काम देख सकते हो कितने जोरों शोरों में चालू है। चलो इसके बाद चलते हैं लालबाग के राजा के लिए। फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पे लालबाग के राजा को देखने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। आप देख सकते हो कितनी अद्भुत तैयारी है कि यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए भी आप देख सकते हो पंखा और लाइट का इंतज़ाम किया गया हुआ है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत तैयारी चालू है लालबाग के राजा की। यहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं 5-5, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा, उनके बाद लालबाग के राजा की दर्शन मिलती। तो आइए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पे से लास्ट के दिन लालबाग के राजा निकलते हैं, या फिर कह दो कि यही वो स्पॉट है जहाँ पे लालबाग के राजा की एंट्री होती है। जो बड़ा गेट होता है लालबाग के राजा का वो यहीं पे लगता है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कितनी तैयारी हुई है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड देखते रहेंगे, जो कि ग्रीन ग्रीन टाइप में बम्बू लगा हुआ है, देखो ऊपर वो बंदा लाइटिंग भी कर रहा है। यही से सामने लालबाग के राजा की मूर्ति दिखती है। तो आइए चलते हैं मंडप की तरफ और देखते हैं कितना तैयारी हो चुका है।
फ्रेंड्स कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिख दीजिए और ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना। फ्रेंड्स यही सामने जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है उधर ही बप्पा की तैयारी चालू है, मेकअप चालू है, बनना चालू है। तो आइए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स यही वो जगह है जहाँ पे लालबाग के राजा का हमेशा पूजा होते रहता है। और देखो कितने अद्भुत तरीके से लालबाग के जो राजा का मंडप है 45% से ज़्यादा रेडी हो चुका है। जो दोनों साइड बम्बू वगैरह लगा है, शेड वगैरह लगा है, ये सब आम आदमी को तकलीफ ना हो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टॉल्स पानी वगैरह का सेवा के लिए लगाए। फ्रेंड्स बहुत ही अद्भुत तैयारी चालू है, इतनी प्यारी तैयारी चालू है। क्या आप सब भी आएंगे तो देखेंगे, बोलेंगे वाह कुछ तो अलग है इस बार, जो कि कुछ दिनों बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ब्रिज के ऊपर भी ये जो छोटी छोटी दिख रही है ये सब लाइटिंग लगाई हुई है, जो कि आम श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो उसके लिए। तो फ्रेंड ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना, अभी भी हम आगे भी जाएंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी तक तो मैंने आपको दो ही चीज़ दिखाई है, एक लालबाग के राजा की, दूसरा चिंतामन की। मेरे ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिए। अभी आप वर्कशॉप भी जाने वाले हैं जहाँ पे बड़े बड़े गणपतियों का काम चालू है, उनको मेकअप वगैरह मतलब जो उनकी तैयारी की जाती है वो तैयारी कर रहे हैं। तो आइए लास्ट तक बने रहना। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि कितने तेज़ी से तैयारी हो रही, मतलब कुछ ही दिन बचा हुआ है श्री जी के आगमन के लिए। तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना। आइए अब चलते हैं वर्कशॉप पे और देखते हैं श्री जी की तैयारी कैसी चल रही है। फ्रेंड हम आ चुके हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गणपतियाँ बनती है उसके वर्कशॉप पे। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं बड़ी बड़ी गणपतियों को। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यही वो वर्कशॉप है जहाँ से बड़ी बड़ी गणपतियाँ निकलती है। यहीं से वो बड़ी बड़ी गणपति निकल के अपने अपने जगह पे जाती हैं जहाँ पे उनका विराजमान होता है, जहाँ पे उनका आगमन होता है। यहाँ पे 15-15, 20-20, 30-30 फुट की गणपतियाँ होती है। यही वो जगह है जहाँ से बाहर गणपतियाँ जाती हैं। देखो आज ये जो गणपति बप्पा को जो भैया पेंट कर रहे हैं ना, कलर कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, आज इनका मतलब जाने वाले हैं, इनका जो जिस जगह पे इनका आगमन है आज ही निकलेंगे, क्योंकि इनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कुछ 10 दिन लगने वाला है। इसीलिए अभी इनका जोरों शोरों में आज इनकी तैयारी चालू। और भी देखो कितने सारे पप्पा को रेडी किया जा रहा है, क्योंकि 17-18 जो सैटरडे और संडे उस दिन बहुत सारे पप्पा को लेके जाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो लोग पप्पा को अब भी लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको डेकोरेशन करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स आज मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे जाने के बाद मैं चिंचपोकली उतरा, उधर से चिंतामणि का जो महाराज बैठते हैं वहाँ से लेके लालबाग के राजा से लेके मैं कार्यशाला तक गया। वहाँ तक मैंने आप लोगों को पूरा जो मंडप का काम चालू है, डेकोरेशन का काम चालू है और जो हमारे बड़े बड़े गणपति बप्पा जो बन रहे हैं वहाँ भी आपको लेके गया, वहाँ भी दिखाया आपको। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो फेस्टिवल स्टार्टअप है उसके ब्लॉग आपको डेली ब्लॉग बेसिस पे मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग संतोष पांडे ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।